क्या गुजरात में बीजेपी को जीत दिला पाएगा पाकिस्तान कार्ड? आखिर गुजरात चुनाव में मोदी से कौन सी बड़ी गलती हो गई है? गुजरात के चुनावी रण को जीतने के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। पीएम मोदी ने विरोधियों को घेरने के लिए यहां एक बार फिर से पाकिस्तान कार्ड खेला है, लेकिन ऐसा करना एक बड़ी गलती की ओर इशारा कर रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी के लिए एक बार फिर से पाकिस्तानी कार्ड अपशगुन साबित हो सकता है। दरअसल पीएम मोदी ने रविवार को बनासकांठा की अपनी चुनावी रैली में पाकिस्तान के बहाने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर चुनाव में सीमा पार से मदद लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के एक पूर्व अधिकारी कांग्रेस नेता अहमद पटेल को गुजरात का सीएम बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, पीएम ने अपनी रैली के दौरान मणिशंकर अय्यर के घर हुई एक बैठक का जिक्र भी किया है। लेकिन पीएम शायद ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तानी कार्ड उनके लिए हमेशा से अपशगुन की तरह रहा है। इससे पहले भी बीजेपी ने बिहार और दिल्ली में पाकिस्तान कार्ड खेला था, जिसका खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। अगर बिहार चुनाव की बात करें तो प्रदेश के रक्सौल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ये कहा था कि अगर बीजेपी बिहार में चुनाव हार जाएगी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। इतना ही नहीं, पार्टी ने पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेकर नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी का ये दाव उल्टा पड़ गया। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम ने अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान का एजेंट तक करार दे दिया था। पीएम मोदी ने केजरीवाल को उनकी पार्टी के एक नेता की कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की मांग को लेकर भी जमकर घेरा था, लेकिन पार्टी को यहां एक बार फिर से नाकामयाबी मिली। जाहिर है पाकिस्तानी कार्ड बिहार और दिल्ली विधानसभा में जिस तरह से बीजेपी के लिए अपशगुन साबित हुआ है, उससे ये सवाल उठने लगा है कि पीएम ने गुजरात में एक बार फिर से पाकिस्तान कार्ड खेलकर कोई गलती तो नहीं कर दी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।